हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, खाद विभाग की तरफ से आ गई है लेटेस्ट भर्ती, तो इसके लिए आवेदन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूर देखिए वीडियो लास्ट तक, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर और यहाँ पे देखिए MTS के पदों पर यहाँ पे जो भर्ती निकली है। तो इसके लिए अगर आपने 10th कर रखा है एलिजिबल है, आपने 12th कर रखा है एलिजिबल है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी एलिजिबल है। ठीक है, सभी वैकेंसी यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है किस पोजीशन के लिए, सभी डिटेल से मैं आपको जो वीडियो है वो आपको बताने वाला हूँ और समझाऊंगा भी। तो यहाँ पे आपने 10th या फिर 12th या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है तो भाई वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। लेकिन आपसे पहले यार छोटी सी एक रिक्वेस्ट है हमारी, देखो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यार कमेंट करके बताना होता है यार। भाई कर दिया करो यार, 5 सेकंड का ही तो काम होता है जिसमें आपको बताना है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो मुझे वहां पे हेल्प मिलती है। हेल्प क्या कि मुझे वहां पे पता चलता रहता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट वैकेंसी के अपडेट में आपको उसी से रिलेवेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा जो आप मुझे कमेंट करके अपनी क्वालिफिकेशन को बताओगे। तो चलिए दोस्तों सारी डिटेल जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो अभी इस वीडियो को समझिए कैसे अप्लाई करना है, कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आपके लिए इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वीडियो को समझिए पूरा। इसमें अगर आप चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर और यहाँ पे MTS के पद के लिए। तो चलिए सभी डिटेल्स जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट आपको वहीं पे मिलेगी। और इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है मैंने आपको ऑफिशियली टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया है, तो जाकर के टेलीग्राम को देख लेना और वहां पे आपको इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसकी बेसिक डिटेल्स है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो गाइस अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे BECIL के साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे FSSAI के साथ में। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 15/7/2024 के लिए ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया था, ठीक है। ये बेसिकली एक मिनी रत्न कंपनी है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके लिए जो मैंने आपको बताया BECIL, ठीक है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंसेस इंडिया लिमिटेड द्वारा, ये ऑज के द्वारा यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 469 टोटल पद के लिए ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, सभी जानकारी आप यहाँ पे देखिएगा और इसके बाद में ही आवेदन करिएगा जब सारी डिटेल आपको समझ में आ जाए उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशंस आर इनवाइट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द डेवलपमेंट इन इन द ऑफिस ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, ठीक है, बाय ईमेल डेटेड 21/5/2024 के लिए। अब देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आपको पोस्ट कोड दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे पोस्ट रिक्वायरमेंट दिखाई देगा, यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपकी मंथली सैलरी जो कि आपको कैसे कितनी और कैसे एक्सपीरियंस के आधार पे कितना प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप पहली पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। इसकी लोकेशन आप देखेंगे नेशनल फूड लेबोरेटरी नवी मुंबई के द्वारा इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे बैचलर डिग्री इन इन एक्वेलेंट इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा यहाँ पे आपने प्राप्त कर रखी हो। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का, ठीक है, जो कि आपको देख सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या देखने को मिलेंगी तो आप उसके बारे में भी यहाँ पे जान लीजिएगा। आपके लिए गुड इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी इंग्लिश, और यहाँ पे ऑफिस का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, फाइल्स वगैरह की, और इसके लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर से रिलेटेड वो आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। इसमें जो सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 29,850 रुपये, ठीक है, 29,850 रुपये यहाँ पे सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अब नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको जो मैक्सिमम आपकी जो एज लिमिट है वो 55 वर्ष तक यहाँ पे आपकी होनी चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगा। दूसरी जो वैकेंसी की बात करेंगे यहाँ पे MTS की मल्टी टास्किंग स्टाफ की, ठीक है, इसकी लोकेशन भी सेम रहेगी। और यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करी जाए
तो यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे आपने 10th पास आउट कर रखा होना आप ची, आ, आ, होना चाहिए आपने। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो आपके पास 1 साल का होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे देखेंगे फूड सैंपल्स, ठीक है, फाइल्स, ठीक है, ग्लास वेयर्स ऑफ FSSAI, ठीक है, नोटिफाइड फूड्स टेस्टिंग लेबोरेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एनी अदर्स ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो इसके लिए मराठी और हिंदी का ज्ञान जो है वो आपके पास होना चाहिए। की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ऑफिस स्पेस एंड ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फाइल स्क्रीन एंड ऑर्डर्स, तो ये आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 55 वर्ष आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा, जो कि आप देख पाएंगे यहाँ पे, दिस सैलरी इंक्लूड्स 50% DA एंड विल चेंज एज पर द रिविजन ऑफ DA बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको पूरी चार्ज बताया गया है कैसे कैसे क्या है, और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आप यहाँ पे देखेंगे, अटेंडिंग एंड टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यूज वगैरह, ठीक है। और इसका जो अप्लाई मोड होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे किया जाएगा, इसकी ऑफिशियली वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, यहाँ पे आपको और भी जानकारी बताई गई है जो कि आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट आप देखेंगे तो 30/7/2024 है, ठीक है। ईमेल के माध्यम से आपके जितने भी डाउट हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, जो कि आपको ईमेल आईडी यहाँ पे आपको बता रखी है, टोल फ्री नंबर भी इनका यहाँ पे दे रखा है। अब बात करेंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई की, तो यहाँ पे इनके जो स्टेप्स हैं उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है कि कैसे कैसे फॉर्म को भरना होगा, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है, सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि फर्स्ट स्टेप के लिए आप देखेंगे, ठीक है, तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद अपनी बेसिक डिटेल्स को डालिए, फिर अपनी एजुकेशनल डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, फिर अपना फोटो सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, फिर अपना फॉर्म को रिव्यू करके अगर कोई गलती हो तो उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पेमेंट करना है ऑनलाइन के माध्यम से, फिर उसके बाद ईमेल पर आपको ईमेल के माध्यम से पूरी जानकारी बताई जाएगी, ठीक है। लास्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा वो आपकी ईमेल पर भी पहुंच जाएगा, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरी जानकारी बताई गई है, जो कि आपके जो एप्लीकेशन फीस है वो क्या रहेगी वो आपको बताया गया है कि जनरल कैंडिडेट के लिए 885, OBC के लिए 885, ST/ST के लिए 531, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए 885, वुमेन के लिए 885, EWS और PH के लिए 531, ठीक है। तो इसके लिए आपको सारी जो जानकारी है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो और भी कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं इसी PDF का जो लिंक है वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर के वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप भी यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो भाई जरूर से अप्लाई करिएगा, आपने जो है 10th या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है तो भाई ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में।